राम राम सभी को, कैसे हैं आप सब लोग। हमारे चैनल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज है संडे, जिसका मतलब है कि हमारी कुक दीदी आज नहीं आएंगी, वो छुट्टी पर हैं, इसलिए हम काम पे लगे हुए हैं। संडे का मौका हमें मिल जाता है अपनी मन पसंदीदा रेसिपी साथ मिलके बनाने का। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, पाव भाजी। आप भी कॉमेंट्स में जरूर बताना अगर आपके पास कोई टिप्स हो पाव भाजी बनाने के लिए। वैसे तो ट्रेडिशनल पाव भाजी की रेसिपी में कॉलीफ्लावर यानी गोभी बताई हुई होती है, लेकिन हमें थोड़ी कम पसंद है तो हम उसकी जगह कुछ और वेजीज यूज कर लेते हैं। ये जो चॉपर मैंने यूज़ किया है ना वेजीज को एकदम फाइनली चॉप करने के लिए, ये सबसे पहले मैंने अपनी सासू माँ को यूज़ करते हुए देखा था, फिर मैंने भी फटाफट से जाके अमेज़ॉन से ऑर्डर कर लिया। मेरे लिए तो ये बहुत यूज़फुल है, डेली यूज़ आता है। आप ट्राई करना और कमेंट्स में बताना आपकी लाइफ ईजी हुई या नहीं हुई। आलू छीलने का और मैश करने का काम हमेशा मिस्टर रमेश करते हैं। वैसे तो आप घी भी यूज कर सकते हैं वेजीज को सेकने के लिए, पर अगर आप बटर यूज करेंगे ना तो उससे टेस्ट इतना ज्यादा शानदार आएगा कि आप हर बार फिर बटर में ही ट्राई करना चाहेंगे। पाव भाजी की रेसिपी वैसे तो बहुत ही सिंपल होती है फॉलो करने में, लेकिन एक चीज़ का खास ध्यान रखना होता है, ये आलू और वेजीज का जो मसाला है ना, इसे बहुत अच्छे से सेकना होता है। इसमें पानी डालने की जल्दी बिल्कुल भी ना करें। हमने शुरू में जो वेजीज बचा के रखे थे वो अब काम में आएंगे ऊपर से ऐड करने के लिए, जिससे थोड़ा क्रंची रहेगी। तो ये थी हमारी सिंपल सी पाव भाजी की रेसिपी। भाजी को एकदम गर्मा गर्म सर्व करें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।